थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करके मैं एंड करूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर ने ऑलरेडी बता दिया कि ये कितने पार्ट है। पहला पार्ट स्कूल एजुकेशन का है, दूसरा हायर एजुकेशन का है, तीसरा अदर एरिया पर फोकस पे है, चौथा मीटिंग एक है जिसमें कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है। और सर ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की तो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर ने बताया भी था इसका जो फोर्ट है इसमें देखिए कौन कौन से टारगेट हमने लिए हैं 2015 में। ऊपर चार नीचे चार के आठ हमने उसके सबसेक्शन लिए हैं। और इसमें भी इंक्लूसिवनेस की बात होती है, प्रमोटिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है। जो चीजें नहीं थी वो हम 2015-16 के बाद अपने एजुकेशन पॉलिसी में हमने अडॉप्ट किया है। अब इसमें मैं बताऊं सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या है जो कि उसको जोड़ता है आपको स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, वोकेशनल एजुकेशन जो शायद सब लोग भूल चुके थे। वोकेशनल को हम लोग ऐसे मानते थे आप 8 क्लास के बाद फेल किया तो छोटा मोटा कोर्स किया खत्म, 10th 11th के बाद किया खत्म। नहीं, आज जो 4-year एजुकेशन पॉलिसी हम लाए हैं उसमें हमने लेटरल जैसे हमने उन्हें बाहर निकलने का तो अंदर आने का व्यवस्था किया है। उसमें है कि आप जिस लेवल पे जाते हैं आपका एक क्रेडिट बैंक होगा, आपने उतना क्रेडिट पे वो कोर्स किया। व्हेनेवर यू वांट टू कम बैक यू कैन कम बैक। हो सकता है आप इसमें मैंने क्या संस्कृत पढ़ रहे हो अचानक आपको आर्थिक रिसर्च करने का मन है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट थ्रू वोकेशनल कोर्स। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड थैंक यू वेरी मच। मैं ये सर बोलो उधर से सारा गया एक मिनट और। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि देखो अमेरिका जो है 52%, जर्मनी 75%, साउथ कोरिया 96% और हम लोग कहीं less than 5%। तो ये आज की सरकार का कमाल है कि हम ये वोकेशनल एजुकेशन जो है इसको मेन लाइन में ला रहे हैं। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जो था उसको हम ला रहे हैं। और स्पेशलाइजेशन की बात ऐसी हो गई है कि वो आज कोई बात कर रहे थे आपके लोगों में कि सर हालत ऐसी हो गई है कॉलेजेस की, आप ही सर बोल रहे हैं सर 80-90% सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन है लैटरल एंट्री। जिस लेवल के आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए आप लैटरल एंट्री